इसके लिए हमने ले लिया है 1 किलो मटन के चॉप्स, 1 मीडियम साइज की प्याज, नमक हसबे जरूरत, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके बाकी के जो मसाले हैं वो हम आप बाद में बताएंगे, तो चलिए पहले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक कुकर में इसे निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हम बताना आप भूल गए थे। अब इसमें हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर, नमक और प्याज डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 2 सीटी लेंगे और कम आंच पे या मीडियम आंच पे हम इसे 10 से 20 मिनट पकने के लिए रख देंगे। चॉप्स की मैरिनेशन बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिया है 1/4 कप यानी 4 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, नमक हसबे जरूरत, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, लेमन जूस, आधे नींबू का हमने यहाँ रस निकाल दिया है। अगर आप खट्टा पसंद करते हैं तो डालिए, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है। भुना कुटा धनिया 1 टेबलस्पून, भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून। हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें हम ऐड करेंगे दही। जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर आप चाहे तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, नमक, कॉर्नफ्लोर, धनिया, नींबू। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमारा गोश्त गल चुका है। अब इसके अंदर का जो पानी बचा हुआ है हम इसे भी ड्राई कर लेंगे। निकाल भी दिया है, तो चलिए एक एक करके इसे हम मसाले में डिप करेंगे। इस तरह स्पून से हम इस पर पूरा मसाला स्प्रेड कर लेंगे और यहीं साइड में रख देंगे। हमारे मसाले को हमने हमारे चॉप्स पर लगा लिया है। अब हम इसे 10 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि इस मसाला इसके अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। हमें इसे रखे 10 मिनट हो चुके हैं और एक पैन में हमने ऑयल गरम कर लिया है, तो हम हमारे पीसेस इसमें एक एक करके डालेंगे। ये एक साइड से लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें पलटा लेंगे। अब हमें इसे दूसरे साइड से भी अच्छी तरह ब्राउन कर लेना है। ये हमारे दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि टिश्यू पेपर का ऑयल रिलीज कर लेगा। हमारे ये सारे चॉप्स फ्राई हो चुके हैं, तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं। तो ये अब बनकर तैयार हो गए हैं। हमारे चॉप्स बहुत ही यमी बने हैं और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली को भी इंजॉय कराइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।